मरगूब अहमद दानिश को कल गिरफ्तार किया गया था। पुलिस ने कहा था कि ये गजवाए हिंद नाम से व्हाट्सएप ग्रुप चलाता है, देश विरोधी काम करता है, इसके तार पाकिस्तान के आतंकी संगठन से जुड़े हुए हैं, कश्मीर के आतंकी संगठन से उसके तार जुड़े हुए। हमारे साथ उसके पिता है, आप मरगूब दानिश अहमद के पिता हैं? पिता हैं। क्या नाम हुआ आपका? सैफुद्दीन अहमद। अच्छा, आपके बेटे को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस का आरोप है कि वो देश विरोधी गतिविधियों में लिप्त था, गजवाए हिंद व्हाट्सएप चलाता था, कश्मीर पाकिस्तान के आतंकी संगठन से जुड़ा था, क्या ये सच है? ये हमको तो गलत लगता है। घर ही पे बैठा रहा, घर से बाहर नहीं गया है, वो कैसे किसी ग्रुप में जा सकता है? घर से तो जाना होगा, एक दिन दो दिन गायब होना होगा, वो घर से कभी गायब ही नहीं हुआ। हम जहाँ जाएंगे हमारे साथ जाएगा, मेरे साथ रहेगा, माँ के साथ जाएगा, और किसी के साथ वो बाहर नहीं जाता था। आपका कहना है कि वो कोई भी जैसे तहरीके लब्बैक से जो संगठन है कहा जा रहा है उससे भी जुड़ा हुआ था? कोई लोग ही मेरे यहाँ नहीं आते थे, उससे मिलने वाले कोई भी बच्चे नहीं आते थे। अच्छा, आप उसका व्हाट्सएप वगैरह थे, पुलिस ने उसको उसके फोन के साथ गिरफ्तार किया। पुलिस ने कहा कि उसके फोन में कई आपत्तिजनक पोस्ट थे जो व्हाट्सएप ग्रुप में डाले जाते थे, तो क्या वो व्हाट्सएप ग्रुप चलाता था? उसका माइंड, हाँ, व्हाट्सएप मोबाइल ही चला रहा था, उसमें व्हाट्सएप भी होगा। हमको तो उसके बारे में जानकारी मोबाइल का नहीं है कुछ, कि क्या कर रहा, कैसे चलाया जाता है, क्या किया जाता है। हमारे पास ये मोबाइल है, यही चलाते हैं हम। अच्छा, मतलब आपका बेटा कोई गजवाए हिंद व्हाट्सएप चलाता था या नहीं, आतंकी ग्रुप था? नहीं, हमको नहीं मालूम। आपको नहीं? उसके बाद हमको कुछ दिखा ही नहीं उसकी चीज को। आज तक कभी उसको आप ऐसा करते हुए नहीं देखे? नहीं, किसी को। मतलब आपको ये लगता है कि आपका बेटा पूरी तरह निर्दोष है? बिल्कुल निर्दोष है वो। हाँ, मोबाइल के जरिए आपसे दोस्ती हो गई, अब हम चोर हैं, आप किससे दोस्ती हो गई, तो आपको ही लोग पकड़ लिया कि भाई तुम कैसे दोस्ती क्यों, ये अलग सी बात हो गई। लेकिन वो किसी ग्रुप को नहीं चलाता था, यहाँ किसी से मिलना जुलना नहीं था किसी से भी। अच्छा, ये बताइए कि आपको लग रहा है कि आपके बेटे को फंसाया जा रहा है? ये हम नहीं बोल सकते हैं भाई, हर बात तो खुली है, जब ये बोल ही रहे हैं तो अब उसको की करेंगे। ये लगता है कि फंसाया गया है? फंसाया गया है या क्या गया, ये हम नहीं बोल रहे हैं। उसको तो गिरफ्तार कर लिया गया, तो कानूनी लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है? हाँ, तो कानून तो वो तो जाना पड़ेगा, नहीं तो कैसे क्या होगा, कानून में तो जाना ही पड़ेगा जुडिशियल में। अच्छा, देखिए, अब तक फुलवारी शरीफ से कई लोग पकड़े गए हैं, उसमें आपका भी बेटा पकड़ा गया। फुलवारी शरीफ में भी एक टेरर मॉड्यूल का खुलासा हुआ था, कहा जाता है वहाँ पर आतंकी की ट्रेनिंग दी जाती थी। हमको पता बाद में चला, हम भी नहीं निकलते हैं उतना ज्यादा, घर बेकार आदमी घर पर रहते हैं, ये सब बारे में मालूम हुआ बाद। आप उसके पिता हैं, आप क्या पैसा क्या, आपका आप क्या करते हैं? अभी बेकार हम आ गए हैं, हम दुबई में थे तो 2020 में वापस आ गए। अच्छा, आप दुबई में थे तो आपका बेटा कभी दुबई वगैरह गया था? जनाब, बगैर पासपोर्ट से कैसे जाएगा? हम किसी को ले जाना चाहें तो उसका तो पासपोर्ट होना ना, ऐसा तो गोदी का बच्चा भी नहीं है कि गोदी वाले का ही पासपोर्ट चाहिए। अच्छा, आपके बेटा का कोई पासपोर्ट नहीं? कोई पासपोर्ट नहीं। पुलिस कहती है कि विदेश में नौकरी करता था। हाँ, पुलिस कैसे ले गई उनको, कैसे ले आई, ये तो पुलिस का मामला है, हमारा मामला तो है नहीं सर। आपका बेटा कभी विदेश नहीं गया ना उसका पासपोर्ट? बिहार से बाहर नहीं गया, मैं आपसे गारंटी करता हूँ। क्या कितना उम्र था आपके बेटे का? अभी 24 साल हुआ। 24 साल हुआ है। आपका बेटा शुरू से पटना में ही रहा है? हाँ, पटना ही रहा, पटना में रहा, पटना ही मेरा, यही फुलवारी से। अच्छा, क्या करता था वैसे वो, काम कुछ करता था कभी? पढ़ाई काम है, पढ़ाई घर ही पर कुछ पढ़ा, नहीं तो बाहर जाके नहीं पढ़ा। तो किसी भी गलत आदमी के साथ आपके बेटे का संपर्क नहीं है? नहीं, बिल्कुल। अच्छा, ये कहा गया पुलिस ने कि आपके परिवार के कुछ सदस्य पाकिस्तान के कराची में रहते हैं और आपका बेटा 2016 से पाकिस्तान के लोगों के संपर्क में, फेसबुक, व्हाट्सएप, ईमेल के। पहले की बात है, वो हमारे सास के की बहन, सौतेली बहन, अपनी बहन नहीं, मैं सौतेली बहन, उन लोग वहाँ रहते हैं, तो उन लोग से होगा, उनका नंबर होगा, उससे बात होगी, हम तो बात ही नहीं कर रहे। अब आगे आपका क्या कदम रहने वाला बेटे को छुड़ाने के लिए, आप क्या करना? आगे जो हमारे पास जो हम सब सवाल होगा जो वहाँ पे होगा तो कोर्ट में होगा। अच्छा, ये बताइए कि पुलिस कब आई थी आपके बेटे को उठाने के लिए? 14 तारीख को, परसों आए। वहाँ हम लोग एक जगह ऐसे फातिया में चले गए थे, आदमी का देहांत हो गया था, उनके यहाँ फातिया खानी थी, हम लोग यहाँ फातिया होता है सवाब के लिए, तो उसी में हम लोग बैठे हुए थे उसी वक्त पे। तो ये थे हमारे साथ मरगूब अहमद दानिश के पिता, जो साफ तौर से कह रहे हैं कि उनका बेटा जो है निर्दोष है, उसको फंसाया जा रहा है, वो कभी विदेश नहीं गया है, गजवाए हिंद नाम से वो कोई व्हाट्सएप ग्रुप नहीं चलाता था, वो कोई भी देश विरोधी गतिविधि में लिप्त नहीं था, ये उनके पिता जो है ये दावा कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ पटना पुलिस ने कल उसको गिरफ्तार कर दावा किया था कि वो लड़का जो है गजवाए हिंद व्हाट्सएप ग्रुप चलाता है, आतंकी संगठनों से जुड़ा हुआ है, देश विरोधी काम करता है। कैमरा पर्सन विशाल राय के साथ शशांक कुमार, एबीपी न्यूज, फुलवारी शरीफ।